नमस्कार महाराज। शास्त्र में लिखा है कर्म करो, फल का आशा मत करो। इसके बारे में आप कुछ बताइए। एकदम आसान सा बात है, कर्म करो, फल का आशा मत करो। आशा ही निराशा के कारण, आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूं, आशा निराशा के कारण, प्रत्याशा हताशा के कारण। आप लोग का हर चीज के बारे में एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है, इसी से आप लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आप एक पेड़ लगाए, एक फल का पेड़ लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? उसमें फल होगा, आप खाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन आप पेड़ लगा के चुपचाप बैठे हो, उसमें फल होगा? कभी नहीं हो सकता। आपको देखने होगा, पेड़ का परिचर्या करने होगा, समय के अनुसार आपको पेड़ में पानी देने होगा। जब वो छोटा बच्चा पौधा है जब, तब उसमें पानी देने होगा, समय के अनुसार धीरे 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 बढ़ेगा, और जैसे बढ़ते रहे, जैसे गाय बकरी वगैरह उस पत्ता को खाना ले, पेड़ को खाना ले, उसके लिए रक्षण भी आपको करना है, उसका रक्षा भी आपको करना है। ये आपको देखने होगा पहले, है ना? अगर सही से उसका ऊपर उसको रक्षा करेंगे, उसका प्रतिपालन करेंगे, उसको समय के अनुसार पानी भी देंगे, सार भी देंगे, धीरे धीरे पेड़ बढ़ेगा, जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाएगा फल होगा। लेकिन आप लोग अगर बैठे बैठे सोचते रहेंगे हम पेड़ लगा दिए फल होगा, पेड़ लगा दिए फल होगा, कभी फल नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? पास करने के लिए। अच्छा से परीक्षा में पास करोगे, क्यों पास करना जरूरी है? क्योंकि अच्छा से मुझे एक नौकरी चाहिए, सीधी सी बात। तो आप पढ़ोगे तब ना पास करोगे, ना आप स्कूल में एडमिशन लिए हैं, हम पास कर जाएंगे तो हमको अच्छा नौकरी मिल जाएगा, हम पास कर जाएंगे तो अच्छा नौकरी मिल जाएगा, कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। आपको पढ़ने होगा, इसके लिए समय देने होगा, मेहनत करने होगा। आप तो पढ़ रहे हैं इसीलिए कि आपको अच्छा काम मिले, आप पास करें, तो उसके लिए सोचते रहेंगे आप, इसमें कभी सक्सेस हो पाइएगा? कभी भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। एक चासी, एक खेती, उसको खेत में अच्छा से बहुत अच्छा से चास किए, फल होगा, फसल होगा, जिसे वो आराम से उसको बेच के पैसा उपार्जन कर सकता है। लेकिन अगर घर में बैठ के चासी सोचते रहेगा कि इस बार हम अच्छा से चास करेंगे, अच्छा फसल होगा, हम बहुत अच्छा पैसे कमाएंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तो होगा? कभी भी नहीं हो सकता है कोई भी काम में। आप ध्यान पूर्वक काम अगर करोगे, कर्म अगर करते रहोगे, फल आपको मिलेगा। लेकिन फल का आशा करते रहोगे तो कभी फल नहीं मिल सकता है। आपको सही समय पर हर चीज का परिचर्या करनी होगी। कोई भी काम में आप जब पौधा लगाओगे तो आप पानी दे रहे ऊपर में, एकदम नीचे तक पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको जड़ में पानी देना है बाबा। अच्छा से थोड़ा सा पेड़ के थोड़ा सा दूर आपको अच्छा से मिट्टी को खोद के, जैसे पानी वहां पर मौजूद हो सके वैसा करके रखना है, तो उसको नियम माफिक काम करने होगा, उसका सिस्टम जो है वैसे करके आपको काम करने होगा। आप जो भी काम करेंगे, मेहनत करना है तो सही तरीका से करने होगा। आप एक दुकान खोल के बैठ गए हैं, आप सोच रहे हैं कि कस्टमर आएगा, उसके लिए भी मेहनत करनी होगा। कौन सामान रखने से ग्राहक आएगा, आपको दो पैसा मिलेगा, ये सोचना है।
कौन समय कौन सामान यहाँ पर रखने से दुकान चलेगा, कौन सामान रखने से नहीं चलेगा, कस्टमर क्या खोजते हैं क्या मांगते हैं देखने पड़ेगा, तब बिजनेस बढ़ेगा। अपना जैसे समझने से कर्म अगर सही तरीका से पद्धति के अनुसार कर्म हम लोग करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, पद्धति के अनुसार नहीं करेंगे कभी नहीं चल सकता है। आप लोग को बार बार मैं समझा रहा हूँ, अलस मस्तिष्क शैतान का बासा होता है, शैतान का घर, ये आप लोग को समझना होगा। तो मेहनत अच्छा से करो, फल का आशा मत करो, आपको जरूर फल मिलेगा ही, क्योंकि आप काम कर रहे हैं फल के लिए ही। एक साधक क्यों साधन करते हैं? ईश्वर प्राप्ति हो, होगा तो ईश्वर प्राप्ति, जब साधन करेंगे तब ना, नहीं तो कभी नहीं हो सकता है, चाहे वो सकाम हो या निष्काम कर्म हो, कोई भी काम कोई भी कर्म पद्धति के अनुसार नहीं चलेगा कभी हो नहीं सकता। मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ, शास्त्र की बात सही है, कर्म का करते रहो, कर्म फल का आशा मत करो, कर्म करो फल का आशा मत करो, आनंद में रहो, जय माता रानी।